नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा के फरहा इलाके में जहां अभी तक रहस्यमी बीमारी का कहर कोह गांव में ही देखने को मिल रहा था, वहीं अब बीमारी की गिरफ्त में इलाके के कई गांव भी आ गए हैं, जहां पर दो दिन में एक ही परिवार की दो मासूम बच्चियों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद जहाँ गाँव हथियाबली में मातम पसर गया है, वहीं गाँव के रहने वाले स्वर्गीय रतन सिंह और मोहर सिंह के परिवार में सभी लोगों का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरह से परिवार की 8 साल की सोनम और सोनिया दो बच्चियों ने दो दिनों में दम तोड़ दिया है, वहीं तीसरी बच्ची भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, क्योंकि वो अस्पताल में है, अभी तक काफी गंभीर हालत में भर्ती है, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक भी बनी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि पहले को गांव में बीमारी से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। तो रहस्यमी बीमारी से लगातार बच्चों की जान जा रही है। आपको बता दें कि वायरल बुखार से भी इससे पहले तमाम जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, तमाम बच्चों की जान जा चुकी है और कई व्यस्क भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीमारी की गिरफ्त में कई मासूम बच्चे हैं, वायरल फीवर का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ वायरल फीवर है, दूसरी तरफ डेंगू और उसके बाद कोरोना, तमाम जो ये बीमारियां हैं, तमाम जो वायरल हैं और वायरस हैं, वो लगातार मथुरा में अपना प्रकोप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि मासूम बच्चों की जान जा रही है। अभी ताजा मामला सामने आया है जहां पर दो मासूम बच्चों की जान चली गई और उसके बाद तीसरी जो मासूम बच्ची है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और स्वास्थ्य विभाग भी अचंभे में है, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है, साथ ही साथ कई जगह ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। बच्ची को थोड़ा सा बुखार आया था। कितने दिनों से बुखार आ रहा था बच्ची को? सर, 3 दिन से बुखार आया था। तो आप कहीं दिखाने गए बच्ची को? हाँ जी, दिखाने गए। कहाँ गए थे बच्ची को दिखाने? पहले नंबर तो चंद्रवान दिखाने गए। तो चंद्रवान में क्या बताया बच्ची को? चंद्रवान में दवा दे दी थी उनने, और दवा दे के नहीं घर भेजते ही आएगी लौट गए। अब फिर उसके बाद में कहाँ दिखाने गए आप बच्ची? फिर बाद में हमारे गांव में जो आज कैंप लगा था वो कैंप। किस चीज का कैंप लगा था? ये बच्चों को देखने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुरेश सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मथुरा से। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये जो रेशमी बुखार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मासूम बच्चियों की जान जा रही है, किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हुई है? जी काजोल, मैं आपको बता दूं, एक तरह से कहा जाए तो ये जो रेशमी बीमारी है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और मथुरा के अब कई गाँव में ये बीमारी अपने पैर पसार चुकी है। जिस तरह से मथुरा के को गाँव में जहाँ दर्जनों बच्चों की अभी तक मौत हो गई थी, उसके साथ साथ कल फिर एक उसके पास ही एक गांव है जहाँ पे दो बहनों की मौत हुई है, जिसमें एक 8-9 साल की बच्ची है, एक 6-7 साल की बच्ची है। एक ही परिवार की दोनों बच्चियों की मौत होने के बाद पूरे परिवार में जब कोहराम मचा हुआ है, वहीं उनकी एक बहन और है जो काफी चिंताजनक स्थिति में है, जो की अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अभी भी उसी पैटर्न पर चल रहा है कि वह हाँ हम कर रहे हैं लेकिन कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे, कुछ देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से वो इलाज कर रहे हैं उसका जमीनी स्तर पर कहीं कुछ बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं इन गांव वाले इन मासूम बच्चों को झेलना पड़ रहा है जो अपनी मौत के गाल की गाल में समाज आ रहे हैं, जो अपने मासूम बच्चों को अपने सुरेश जो आसपास के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पा रही है? क्या कहना है उनका? मासूम बच्चों में किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और क्या सिर्फ बुखार आ रहा है या तमाम समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं? जिस तरह से गांव के लोग हैं, जो प्रधान है वहाँ के, वो जो बता रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं कि हमारे मासूम बच्चे अच्छे खेलते मतलब खुश रहते हैं और उसके कुछ देर में ही कुछ घंटों में उनको पेट दर्द होता है या सर में दर्द होता है या बुखार होता है या दस्त और उल्टी होती है और उसके बाद कुछ घंटे बाद ही जैसी कहीं ट्रीटमेंट कराते हैं या कुछ तो उस दौरान कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल 8 और 10 घंटे में ही उनकी डेथ हो गई है। तो जिस तरह से साफ देखा जा सकता है कि अभी तक जो स्थिति है वो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो हीला हवाली के ही, जिस तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग ने कल जो CMO है मथुरा की डॉक्टर रचना गुप्ता, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जो सूचना विभाग से, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक डेंगू के लगभग 200 से ऊपर जो है लोग
पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल सुरेश, जैसा डेंगू का जिक्र आप कर रहे हैं और ये जो लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं डेंगू जैसे ही है, लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो इसे पूरी तरीके से डेंगू नहीं मान रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्षण डेंगू जैसे हैं, लेकिन ये अभी तक रहस्य है कि ये आखिर बीमारी क्या है। क्योंकि जिस तरह से क्लियर साफ जो है डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनका कहना है कि जिन बच्चों को, कुछ बच्चों की जांच होती है उनमें डेंगू निकल के आता है, कुछ में मलेरिया निकल के आता है, कुछ में एक और कुछ जर्मन बुखार कोई जो है वो नया कोई बीमारी निकल के आ रही है। उसके साथ साथ जैसे ग्रामीण है, अब क्योंकि ग्रामीणों में उतनी जागरूकता नहीं होती है, उतना अवेयरनेस नहीं होती है, स्वच्छता पर्यावरण वहाँ पे जो है माहौल गाँव का होता है, तो वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और मच्छर पनप के कारण ये जो डेंगू है वो अपने पैर पसार रहा है। लगातार रोजाना नए मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं और उसका ही खामियाजा कहीं ना कहीं इन लोगों को और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो अपनी जिंदगी से हाथ धो जा रहे हैं। बिल्कुल सुरेश, जैसा कि कल हमने तमाम जगहों से रियलिटी चेक किया था किस तरह के हालात हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं पहुंचाई जा रही हैं उससे लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं, साफ सफाई कैसी है उनके इलाकों में, तमाम हमने रियलिटी चेक किया। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था, कई अस्पताल ऐसे थे जहां पर पर्याप्त बेड नहीं थे, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे थे जहां पर अच्छी खासी सुविधा थी। अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा में किस तरह के हालात हैं? जी आगरा तो जो है कई जगह पे, जिस तरह से मथुरा में, मथुरा के जिला अस्पताल में बेड बनाए गए, उसी तरह से जो कोहगांव वहां पे भी कई बेड लगाए, और साथ ही साथ जिस तरह से मथुरा के जो डॉक्टर है, क्योंकि मथुरा के बहुत सारे बच्चे अभी आगरा में एडमिट है, तो आगरा की स्थिति अगर कहें तो आगरा के एसएन मेडिकल में जो है बच्चों को भेजा जाता है, जो ग्रामीण है वो जो अपने बच्चों को वहां लेके जाते हैं, वो उनका साफ कहना है कि एसएन मेडिकल कॉलेज जो है वहां पे सिर्फ बच्चों को एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ बेड पे डाल दिया जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता वहाँ। बिल्कुल, और सुरेश ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी कि एक ही बेड पे दो तीन बच्चों का इलाज एक साथ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आगरा में एसएन मेडिकल एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहाँ पे जो मेडिकल के छात्र हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर वहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे या कुछ समय के लिए राउंड पे आते हैं, उसके बाद वो सारा ट्रीटमेंट जो यानी सुरेश ये कहा जा सकता है कि लापरवाही तो है और इसी लापरवाही के चलते मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं इस रेशमी बुखार के। फिलहाल सुरेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो मथुरा में ये वायरल बुखार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेंगू जैसे लक्षण हैं लेकिन डॉक्टर इसे पूरी तरह से डेंगू नहीं कह रहे हैं, और यहाँ पर लापरवाही ये है कि जो मेडिकल के छात्र हैं वो मासूम बच्चों का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ 4 या 5 घंटे के लिए अस्पताल में मौजूद रहते हैं। वहीं आज लक्सर तहसील सभागार में जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत सहित जिले में संबंधित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, वहीं कुछ शिकायतें ऐसी भी रही जिन्हें संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दिया गया है, निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ चमोली में भी ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और फरियादी तहसील दिवस में पहुंचे, फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं उपजिलाधिकारी को सुनाई है। तो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या जंगली जानवरों के आतंक की थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरिद्वार और चमोली से, जहां पर आम जो जनता है उनकी समस्याएं यहाँ सुनी गई है, किस तरह की समस्याएं उन्हें आ रही है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, आने जाने में किस तरह की दिक्कतें हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा लगातार उत्तराखंड में बनी रहती है। ऐसे में कई गांव हैं जिनका शहरों से संपर्क कट जाता है, जंगली जानवर जो हैं वो ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहां पर लोग बसते हैं और वहां पर वो उन पर हमला भी कर देते हैं और कई लोगों की ऐसे में जान भी चली जाती है। तो तमाम शिकायतें थी जो हरिद्वार और चमोली में सुनी गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया है कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ ठगी हुई है, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि इस मुद्दे पर वो सार्वजनिक बहस करें।
उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम बहुल रुदौली विधानसभा क्षेत्र के रसूलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ओबीसी ने मुसलमानों से आग्रह किया कि किसी के साए में नहीं रहें। सपा प्रमुख पर हमला करते हुए ओबीसी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों में भय पैदा किया है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि 19% मुस्लिम हैं और 9% यादव हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आपका होगा और हमें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। रुदौली के सपा नेता रुश्दी मियां का नाम लिए बगैर ओबीसी ने पूछा, सपा के मुसलमान उम्मीदवार चुनाव क्यों हार गए और बीजेपी का यादव उम्मीदवार जीत गया? इसका मतलब है कि यादव मुसलमानों को वोट नहीं देते। मियां 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामचंद्र यादव से भी हार गए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि ओबीसी जो है 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसको लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं और एक अलग पैच बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ, कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर वो बननी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में ये जिला अयोध्या का है, यहां पढ़ने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, BSP हो या फिर कांग्रेस हो या BJP हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनावी मैदान में हैं और वो बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आज से। ममता अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोल सकती हैं और अपने वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें ये चुनाव जीतना ही होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, जंगीपुर और समरेशगंज में 30 सितंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट है। TMC ने बीते रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा के लिए पार्टी की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा TMC नेता जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम क्रमशः जहांगीपुर और समरेशगंज सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उपचुनाव के दंगल के बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर भाजपा ने मुझे फिर से मैदान में उतारा तो उनका क्या होगा। आपको बता दें कि अपने ही गढ़ से बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां से ममता बनर्जी हार गई थी, तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी उनका मजाक बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भाजपा ने एक बार फिर से मुझे मैदान में उतार दिया तो आखिर ममता बनर्जी कहां जाएंगी। 2-3 दिनों में पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इधर कांग्रेसी आगामी भवानीपुर उपचुनाव में ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने पर विचार कर रही है। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली आई थी और एक अच्छे खासे विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आई थी, तो उससे एक फायदा यह हुआ है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार इस उपचुनाव में नहीं उतारने वाली है जो कि ममता के अगेंस्ट में रहे। वही बात अब कोरोना की हो गई। दरअसल कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए कोरोना मामले एक दिन गिरने के बाद अगले दिन फिर बढ़ रहे हैं। आज बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 37,875 नए कोरोना केस आए हैं। इससे एक दिन पहले 31,222 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 1608 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में कई दिनों तक प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 30,000 या उससे ज्यादा मामले सामने आने के बाद सप्ताह से नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि बीते सप्ताह से। मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आए हैं। ये कम नहीं है लेकिन पहले के मुकाबले कम है।
वहीं करीब 180 और मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 42,53,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 21,000 से ज्यादा पहुंच गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,30,96,000 लोग संक्रमित हुए, इनमें से 4,41,411 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,22,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से कम है। कुल 3,51,256 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में सोमवार और मंगलवार के बीच कोरोना के 6 नए केस मिले। वहीं अन्य जिलों समेत पटना में एक भी मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब एक्टिव केसेस की संख्या 54 हो गई है। तो बिहार में मामले बहुत कम हैं, लेकिन अगर केरल में हम जाएंगे तो केरल में मामले सबसे ज्यादा हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। बिहार में संक्रमण घट रहा है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। तो कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में देश का बुरा हाल हो गया था। देश की जनता रोती बिलखती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब भी दूसरी लहर का प्रकोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सहारनपुर में लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम दिन रात काम कर रही है। इसी के चलते सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने कुछ दिन पहले टेम्पो में बैठाकर एक व्यक्ति से 45,000 रुपए की नकदी को लूटा गया था और उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर टेम्पो चालक सुहेल और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 45,000 रुपए में से 8,000 रुपए युवकों को दिए गए, जो कि उन्होंने खर्च कर दिए। ये लोग भोले भाले व्यक्तियों को टेम्पो में बिठाकर उनका सामान नकदी चोरी कर भाग जाया करते थे, जिसमें पुलिस ने इनके पास से इनका टेम्पो भी बरामद कर लिया और सभी को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो आखिरकार सहारनपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल लोगों को टेम्पो में बिठाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से टेम्पो भी बरामद कर लिया गया है, नकदी भी बरामद की गई है। टेम्पो में जा रहा था, उसमें 4-5 लड़के जो मिल के उनके साथ फ्रॉड करके उनकी जेब काट लिए थे और 45,000 रुपये चोरी कर लिए थे। इस संबंध में तत्काल टीम एक्टिवेट हुई है और जो चंद घंटे में ही इन चारों अभियुक्तों का गिरफ्तार करके उनके पास से 37,000 रुपये बरामद कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। सर, क्या कुछ पहला आपराधिक इतिहास भी रहा है? अभी इसके आपराधिक इतिहास कंगाल रहे हैं और भी इनकी क्या नेटवर्क है, इसको भी देखा जा रहा है। थैंक यू। सहारनपुर के छिंदमना गांव में हिंदुओं के देव स्थान भूमिया खेड़ा को दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ से अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी एसडीएम की तरफ से अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को नहीं सौंपी गई, जिससे आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेताओं ने अब प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता कर चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मामले का निपटारा नहीं किया गया और देवस्थान को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो हिंदू समाज से जुड़े लोग 15 सितंबर को एसडीएम दफ्तर पर ही महापंचायत कर खुद ही जमीन को कब्जा मुक्त करा लेंगे। दरअसल छिंदबना गाँव में सैकड़ों साल पुराना एक देवपत्र स्थान है, जिसको मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से कब्जा किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थान पर वो लोग सैकड़ों सालों से पूजा करते आ रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार वो कर चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट को आगे नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और चेतावनी दी है। एक्चुअली हम लोग इसमें जिलाधिकारी महोदय से भी 2 बार मिले, हमने ज्ञापन भी दिया और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में पूरा मैटर जो है बताया, जो उन्हें बताया गया था दूसरे ढंग से बताया गया था। जब हमने जाके उनको वास्तु स्थिति बताई तो उन्होंने तुरंत एसडीएम सदर को ऑर्डर करने के लिए कहा कि भाई आप इसकी जाके दोबारा से पैमाइश करो और अगर वो पैमाइश में उनका जो स्टे है उससे अलग पोर्शन है तो इसको बिल्कुल कब्जा मुक्त करा दिया जाए और हिंदुओं को वहाँ पूजा वगैरह बाधित ना हो। डीएम साहब को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पहले आदेश में ही ये कहा कि जो वहाँ पूजा अर्चना चल रही है उसमें किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं पड़नी चाहिए, भले किसी का स्टे है या नहीं है, और आप इसको पैमाइश कराइए, पैमाइश करा के इसको कब्जे मुक्त कराइए। लेकिन इत्तफाक से इतने समय बाद भी, आज मेरे ख्याल 10 दिन इस बात वार्ता को हो गए जब हम डीएम साहब से मिले थे, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। इसमें दरअसल प्रशासन की हीलावाली इतनी लंबी चल गई, इसको
रब जाने क्या बनाना चाह रहे हो, सांप्रदायिक रूप देना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो। एक सीधी सी बात थी, धार्मिक स्थल पर कब्जा था, उस कब्जे को मुक्त कराना था, नाप करके, बहुत बड़ा काम नहीं था। एक हम कानूनी कार्रवाई के तहत ही बात कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि जो प्रशासन को लगे कि ये हो नहीं सकता। हमने जबरदस्ती कब्जा किया हो तब भी बात है, हम जबरदस्ती हटाने की बात करो तब भी अलग बात है। संगठन और समाज एक बात कह रहा है कि आप उसकी नाप करें और नाप जोख के बाद जो भी आपको लगे, अगर वो चूँकि उनकी ज़मीन वहाँ पर कम है कागजों के अनुसार और ज़मीन मौके पर ज़्यादा है, वो जो गांव के माता और खेड़े का जो पूजन जो भी है वहाँ पर भूमि जो भी भूमिया वगैरह हैं उनका पूजन अपना धार्मिक स्थल का जो लोग करते हैं वो उसे लगातार करते रहें, अपने उसमें कोई अवरोध ना आए। गणेश चतुर्थी के अब बस दो ही दिन बचे हैं। मुंबई अपने पसंदीदा गणेश देवता के आगमन के लिए अंतिम समय में तैयारी कर रहा है। इस साल दूसरी बार कोरोना महामारी के बीच गणेशोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना होने के बावजूद लोगों में इस उत्साह का जरा भी रोमांच कम नहीं हुआ है, यानी कहा जा सकता है कि मन में बेहद उत्साह भरा हुआ है। बाजारों में भीड़ है, खरीदार जमकर सामान खरीद रहे हैं, पंडाल आयोजक अपनी अपनी झांकियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में तीसरी लहर के खतरे के बीच कोविड नियमों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण किलोमीटर लंबी कतार नहीं दिखेगी। इस साल अनुमति लेने वाले मंडलों की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, यह अभी भी पिछले कोरोना साल की तुलना में काफी कम है। गणेश उत्सव के लिए अपने नए दिशा निर्देशों में बीएमसी ने ऑफलाइन दर्शन विसर्जन जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसे उन्हें विज्ञापन देकर बड़ी राहत दी है, जो पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध मंडलों को समुद्र के किनारे गणपति की मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति दे दी गई है। प्रतिमा के विसर्जन के लिए केवल 10 स्वयंसेवकों को साथ जाने की अनुमति होगी। समुद्र के किनारे मूर्ति को बीएमसी और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को सौंप दिया जाएगा, जो फिर मूर्ति को समुद्र में विसर्जित कर देंगे। केवल मंडल स्वयंसेवकों को समुद्र के किनारे अनुमति दी जाएगी, भक्तों को नहीं। वहीं बरेली में चंदपुर चुंबकिया के ग्रामीण आने वाले चुनाव में बीजेपी का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ग्राम चंदपुर चुंबकिया के ग्रामीणों ने गांव में एक बोर्ड भी लगाकर उस पे लिख दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। दरअसल काफी समय से ग्रामीण इटोवा शरीफ नगर रोड से इमरता तक लिंक रोड की मांग कर रहे थे। उनकी मांग को किसी ने नहीं सुना। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क ऊबड़ खाबड़ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे आगे रास्ता ही नहीं है, जिससे उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम गांव में सच्चाई जानने पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी भोजीपुरा विधानसभा के बीजेपी विधायक ना तो लोगों से मिले हैं और ना ही बात की है। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार मामले की शिकायत बीजेपी विधायक समेत कई जिम्मेदार अफसरों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगी। अस्सी 90% लगातार पोलिंग जो होती थी इस गांव की बीजेपी को लेके होती थी। पहले ये बहाना हुआ करता था यहाँ के जो विधायक या मंत्री बनते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास निधि नहीं है, तो चलो ठीक है उस समय बात मान ली। अब तो भाई केंद्र में भी इनकी सरकार है, MP भी हमारे बीजेपी के हैं और यहाँ राज्य में भी इनकी सरकार है। आज नहीं, जब सरकार बनी थी 6 महीने हुए थे तब भी हम गए थे, तब भी हमसे विधायक जी ने कहा था कि आप 6 महीने कटने दो हमारे और हम रास्ता करा देंगे आपका। आज तक किसी नेता ने नहीं सुना, तब से हमने कही थी। जब विधायक जी के पास गए, विधायक जी आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता है। सांसद जी के पास भी गए, वहाँ भी जो है आश्वासन मिला, काम नहीं। और बाकी जो है देख देख इंतजार में, मतलब जो है गाँव। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 12 इंडिया के साथ।